नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा यूएनआई कार्ड के बारे में। यूएनआई कार्ड तो बंद हो गया, ये आपको पता ही होगा, लेकिन उसमें अभी आपको क्रेडिट लाइन मिली होगी जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो वही क्रेडिट लिमिट यानी कि बिना यूएनआई कार्ड के आप कैसे यूज कर सकते हैं उसी बारे में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, आपको बता दूँ जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिली है यूएनआई कार्ड में, और जब कार्ड मिला होगा तो 20,000 मेरी थी, फिर उसके बाद 16,000 क्रेडिट लाइन मिली है मुझे जो यूएनआई कैश करके मिला हुआ था। लेकिन अभी आप वहां पे देख रहे होंगे यूएनआई पे चेक प्रो करके इस तरह से कुछ वहां पे ऑप्शन आ रहा है जिसमें इंक्रीज योर बैंक बैलेंस बाय अप टू 15,000 ऐसे लिखा हुआ है मेरे में, आपके में दूसरे तरीके से लिखा हो सकता है, तो उसी पे आपको एक्सप्लोर पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आप वहां पे देखेंगे फ्री अर्ली सैलरी अप टू 15,000 एवरी मंथ, इस तरह से मेरे में लिखा है। आपके में अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। और आपको बता दूं जब ये जो प्रोसेस है और जो ये यहाँ पे जो ये कह रहे हैं यूएनआई पे चेक, इसमें मंथली आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट आ जाएगा जो आप डिसाइड करेंगे और उसके बाद आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। और यूएनआई कार्ड ना होने की वजह से इसको आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है अपने ऐप में। तो कुल मिला करके मंथली आपको रिसीव हो जाया करेगा और उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो इसमें चार्जेस वगैरह की बात करूँ तो एनुअल फीस जो इस पे अप्लीकेबल है वो 100% वेवर है, यानी कि माफ हो जाएगी। किस कंडीशन में आगे बात करते हैं, तो जितना भी आपको अमाउंट यहाँ पे लेना है आप ले सकते हैं। उसके बाद इसका जो बिल पे बिल शॉप इन्वेस्ट इस तरह से भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आप पढ़ लेना कर सकते हैं यहाँ पर, और कभी भी आप इसको बंद कर सकते हैं, कभी भी आप चालू कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है एज मनी टाइम एज यू वॉन्ट, कितनी बार भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, कितनी बार भी आप इसको बंद कर सकते हैं अगर आपका मन कंटिन्यू इसके साथ करने का नहीं है, यानी कि यूज करने का नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तब तक आप यूज कर सकते हैं जब तक आपको यूएनआई कार्ड नहीं मिल सकता है। लेकिन आगे जैसा कि मैंने बताया चार्जेस वगैरह उन सब चीज की बात करने वाला हूं, तो वो पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद पे इट बैक विद योर बिल, बिल के साथ आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, आप पूरा अमाउंट कर सकते हैं पेमेंट, या फिर उसको ईएमआई वगैरह में जब आप यूज करेंगे तो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। चूज टू पे लेस एंड टेक सम मोर टाइम विद यूएनआई यू ऑलवेज गेट टू चूज। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, जो भी बिल आपका आता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ चार्जेस वगैरह आपके लगने होते हैं, और लगने होते हैं मतलब लगते ही हैं। उसके बाद जैसे ही सेलेक्ट पे आप करेंगे, गेट्स स्टार्टेड पे करेंगे, तो वहाँ पे देखिए आप या तो पूरा अमाउंट ले लीजिए जितना आपको ऑफर मिल रहा है उतना, 15,000 या फिर 8,000 वहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, या फिर कस्टम अमाउंट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और देखिए पॉज और एडिट एट एनी टाइम इस तरह से भी वहां पे लिखा हुआ देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं जो आप यहां पर 31st देख रहे होंगे, 16th देख रहे होंगे, 11th देख रहे होंगे, तो यहां पर आपको बता दूं कि जब ये आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप एक डेट आ जाएगी जिस पे आपको फ्री होगा, यानी कि उस डेट को अगर आप चूज करते हैं रीपेमेंट के लिए तो उस दिन आपका जो फीस है वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चूज करते हैं दो डेट आपको वहां पे और देखने को मिल जाएगी, तो वहां पे 16 और 11 तारीख दिख रहा होगा, जिसमें दो अगर 16 तारीख को करते हैं तो 2% कन्वेंस फीस प्लस जीएसटी लग जाएगा आपका, ये लगभग पेटीएम पोस्टपेड की तरह आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर 11th को पेमेंट करते हैं यानी कि रीपेमेंट करते हैं, मुझे लगता है जो मैं समझ पाया हूँ, तो 2.5% कन्वेंस फीस प्लस जीएसटी आपको वहां पे देना पड़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एनुअल फीस, जो एनुअल फीस है इसकी वो है 999 रुपये विल बी लीव्ड। अगर आप यहाँ पर जो 999 का एनुअल फीस है इसमें वो माफ हो जाएगी आपकी जब आप उसको 12 बार पे चेक डिसरिबर्स, यानी कि 12 बार आप उसको मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद टाइमली रीपेमेंट अगर आप करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो माफ हो जाएगा, जो कि है 999 रुपये एनुअल चार्जेस। कभी भी आप इसको बंद कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी लिखा है कि नो एनुअल फीस वेवर, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इसको कभी भी बंद कर देते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 12 बार आपको पे चेक करना है, यानी कि 12 महीने तो लगातार कंटिन्यू आपके अकाउंट में आना चाहिए, और उसके बाद इसको जब आप रीपेमेंट कर देंगे 12 बार यानी कि 12 महीने, 1 साल आप इसको कह सकते हैं, उसके बाद जाकर के आपका जो वेवर है वो होगा, यानी कि माफ होगा एनुअल फीस। लेकिन अगर आप कभी भी पॉज कर देते हैं, पॉज एनी टाइम करते हैं, तो नो एनुअल फीस वेवर, यानी कि जब आप बीच में 12 महीने से पहले कभी भी बंद करते हैं तो उस टाइम आपको
नहीं मिलेगा जो एनुअल फीस का वेवर है, यानी कि माफ नहीं होगा, फिर चार्जेबल ही रहेगा, अप्लीकेबल ही रहेगा कि आपको 999 रुपये जो इनकी एनुअल फीस है वो आपको देना ही पड़ेगा। वो स्टेटमेंट वगैरह में जब आपका बिल जनरेट होगा तब जोड़ करके मुझे लगता है उसमें वो आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट प्लान टू सी योर फर्स्ट क्रेडिट, इस तरह से भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर पूरी बात करूँ इस वाले सेक्शन की, तो यहाँ पर जैसे ही उसको कंटिन्यू करते हैं कस्टम अमाउंट डालने के बाद, आपको एक डेट फ्री मिल जाती है। उसके बाद 2% और प्लस GST अगर देना है आपको तो 16 तारीख की डेट आपको मिलने वाली है, और 11th को अगर आप करते हैं तो 2.5% कन्वेंस फीस प्लस GST आपको देना पड़ेगा। तो इन तीनों प्लान जो भी आपके हिसाब से आपके उसमें आ रहे हो तो उसके सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको री एंटर करना है, और उसके बाद IFSC कोड और नाम। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो बात ये है कि जो भी पैन नंबर पे आपका जो नाम है उसी नाम से आपका, मुझे लगता है यहाँ पर जो अकाउंट है वो आपका होना चाहिए, उसी में आप क्रेडिट कर पाएंगे इस अमाउंट को और उसके बाद यूज़ कर पाएंगे। और जैसे ही पैन नंबर डालने के बाद, यानी कि अकाउंट नंबर डालने के बाद, वो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको जाना है। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको मेल वगैरह या नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बता दूं, इसके आगे मैंने कंटिन्यू अपना अकाउंट तो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका क्रेडिट कार्ड भी आने वाला है, यानी कि UNI कार्ड लॉन्च होने वाला है, तो वो भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आपको यूज़ करना है तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई। अब इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा, और जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा आपके पैन के साथ, पैन कार्ड के साथ, और उसके बाद जो अमाउंट है आप मंथली बेसिस पे आप रिसीव करने लगेंगे, 12 महीने तक आप उसको रिसीव करेंगे, और उसके बाद रीपेमेंट कर देंगे टाइमली। तो जो 999 रुपये का पेमेंट है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बीच में कभी पॉज करते हैं, बंद करते हैं, तो आपको उसका पैसा जो है वो 999 रुपये जो एनुअल फीस है देना पड़ेगा। अब इसके बाद जब प्रोसीड करेंगे, मंथली रिसीव करिए और उसके बाद यूज़ करिए। अब जैसा कि मैंने नहीं इसको कंटिन्यू किया, और जब मैं होम पेज पे आ रहा हूँ, पहले इस तरह से दिख रहा होगा आपको कि कंटिन्यू कर लीजिए इस तरह से, लेकिन अभी मैं जब वापस आ गया हूँ तो ऑलमोस्ट देयर इस तरह से करके आ रहा है। और जैसे ही मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करूँगा, उसके बाद फर्स्ट जो 1000 रुपये मैंने चूज़ किया था, क्योंकि मैंने सोचा अगर कंटिन्यू करता हूँ तो कम अमाउंट करता हूँ ताकि जो चार्जेस वगैरह है वो कम लगे, तो 1000 रुपये मैंने किया था। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अब बैंक आ गया हूँ तो वहाँ पे आ रहा है कि आप बैंक ऐड करिए और आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपको जैसा कि इसमें लिखा हुआ है UNI पेचेक यूज़ करना है, यानी कि UNI कार्ड आपके पास नहीं है, और उस क्रेडिट लाइन को जो अभी भी आपको शो हो रही है या फिर अभी भी मिली है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि जो अपडेट करके आया था उसमें जो क्रेडिट UNI कैश का अमाउंट था वो क्रेडिट लाइन इनके थ्रू कर दी गई है जो भी यूजर्स थे उनकी। तो पहले मेरा UNI कैश 16000 था, तो 16000 समथिंग कुछ 16000 ही कर दिया है क्रेडिट लाइन अभी फिलहाल आप बात करूँ तो। और ये जो पेचेक UNI पेचेक अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहता हूँ तो 15000 रुपये तक मैं उसको मंथली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और उसके बाद आप मंथली रिसीव कर सकते हैं अमाउंट और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, कुछ रह गए मुझसे तो कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले इसके बारे में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है UNI का जो है वो लॉन्च होगा, तो अगला वीडियो वो होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।